नमस्कार दोस्तों में आपका स्वागत है आज हम डिस्कस करेंगे टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च या इसका और एक भी नाम है इंटरनेशनल सेंटर फॉर साइंस इंडिया में जितने भी सारे टॉप क्लास का जो साइंटिफिक uh, रिसर्च का इंस्टीट्यूट है इनमें से ये एक है बहुत प्रेस्टीजियस फेमस है इंटरनेशनली बहुत फेमस है यहाँ इंटीग्रेटेड पीएचडी एंड पीएचडी एडमिशन का नोटिफिकेशन ऑलरेडी आ चुका है 2021-22 के लिए तो चलिए चलते हैं उसका ऑफिशियल वेबसाइट में और वहां जाकर हम इसको डिटेल्स में डिस्कस करते हैं शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हम यहाँ टीचिंग रिलेटेड सारे के सारे स्टडीज एग्जाम्स एंड जॉब्स के बारे में डिस्कस करते हैं तो जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए फ्यूचर में जो भी नोटिफिकेशन आएगा आपको सबसे पहले मिल जाएगा तो ये आप देख सकते हो ये है आईसीटीएस का ऑफिशियल वेबसाइट और टीएफ का भी ऑफिशियल वेबसाइट टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूट है इंडिया का तो यहां देखिए आपको थोड़ा सा नीचे आना पड़ेगा नीचे आप राइट right साइड में यहां देख सकते हो मेंशन किया गया है अनाउंसमेंट अनाउंसमेंट में जो पहला जो अनाउंसमेंट है आर इनवाइटेड फॉर द आईसीटीएस ग्रेजुएट स्टडीज इन फिजिकल साइंस प्रोग्राम तो हम इसी के ऊपर क्लिक कर लेते हैं तो यहां देखिए मेन्शन किया गया है आईसीटीएस इन्वाइट्स एप्लीकेशन फ्रॉम द हाईली मोटिवेटेड कैंडिडेट्स इंटरेस्टेड इन परसुइंग डॉक्टर रिसर्च इन द दियोरिटिकल एंड मैथमेटिकल साइंस Okay. ICTS has world class research groups in the astrophysical relativity, then field dynamics and turbulence, mathematics, physical biology, statistical physics, and the concerned matter physics, then string theory and the quantum.

यूजीसी सी दिया है वो भी एलिजिबल है यहाँ अप्लाई करने के लिए मगर जो सिलेक्शन प्रोसीजर है ये थोड़ा टफ है क्योंकि ये वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूट है तो इसमें एडमिशन के लिए देखिए यहां मेंशन किया गया है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ दो प्रकार का प्रोग्राम हो रहा है एक इंटीग्रेटेड पीएचडी एंड पी दोनों के लिए आपको एंट्रांस देना पड़ेगा और इंटरव्यू भी देना पड़ेगा पीएचडी प्रोग्राम के लिए एलिजिबल कौन है जिसका भी एम या एमएस हुआ है या एमटेक किया है वो एलिजिबल है यहा अप्लाई करने के लिए ठीक है देन फॉर इंटीग्रेटेड पीएचडी जिन्होंने भी एम ई एम टेक बी एस सी बी एस बी बी टेक देन इस प्रकार का कोर्स किया है बैचलर्स डिग्री या मास्टर्स डिग्री बोथ कैन डू हियर पी एच डी ठीक है कम से कम तीन साल का कंटिन्यू कोर्स होना चाहिए देन इसके लिए जो एंट्रांस टेस्ट है आप यहां देख सकते हो यहाँ मेंशन किया गया है जैसे कि मैंने आपको बताया यहाँ टी आई एफ आई आर एंट्रेंस देना पड़ेगा नहीं तो जे जीएसट देना पड़ेगा जो फिजिक्स के लिए कंडक्ट किया जाता है नहीं तो आपके पास गेट होना चाहिए फिजिक्स मैकेनिकल इंजीनियरिंग केमिकल इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और इंजीनियरिंग साइंस में यदि आपने गेट दिया है तो भी आप यहाँ एडमिशन ले सकते हो देन सी एस ए आर यूजीसी नेट फिजिकल साइंस में सब्जेक्ट में जिन्होंने भी जे आर दिया है तो वो भी यहाँ एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए नाउ इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप देख लीजिए जेस्ट जेस्ट में आपका ऑल इंडिया रैंक वन से एटी के बीच में होना चाहिए तभी आप यहां अप्लाई कर सकते हो ठीक है एटी से वन हो जाएगा तो यू आर रिजेक्टेड ठीक है देन गेट में ठीक इसी प्रकार परसेंट टाइल से भी आपका ज्यादा स्कोर होना चाहिए ठीक है और जो सी एस आई आर यूजीसी नेट इसमें आपका जो रैंक है ऑल इंडिया रैंक वन से लेकर फिफ्टी के बीच में होना चाहिए तभी आप यहाँ एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए नहीं तो आप अप्लाई नहीं कर सकते यहाँ मेंशन किया गया है अप्लीकेंट क्वालिफाइड इन द टेस्ट शुड अप्लाई ऑनलाइन फॉर बीइंग कंसिडर फॉर फर्दर सिलेक्शन यहां देखिए अप्लाई करने के लिए दो रास्ते ऑप्शन दिया गया है यहां देखिए ऊपर मेंशन किया गया है अप्लाई ऑनलाइन तो आप यहाँ क्लिक करके भी अप्लाई कर सकते हो नहीं तो नीचे भी एक दिया गया है ऑप्शन देखिए यहाँ देखिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ आप क्लिक करके ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो देन इंटरव्यूज परफॉर्मेंस इन द नेशनल एग्जाम्स अलोंग एग्जाम एडिशनल इन्फॉर्मेशन रिक्वेस्टेड इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म विल बी यूज टू शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट फॉर द फर्दर सिलेक्शन प्रोसेस ठीक है देन ऑनलाइन एप्लीकेशन आपको जो देना है यहाँ देखिए क्लिक करके आप दे सकते हो और जब आप अप्लाई करोगे उसमें आपका जो सारे के सारे एंट्रेंस का जो डिटेल्स है इसका स्क्रीनशॉट भी आपको देना पड़ेगा या सॉफ्ट कॉपी आपको देना पड़ेगा देखिए द डेड लाइन फॉर द एप्लीकेशन इज फिफ्टींथ अगस्त 2021 तो आपके लिए बहुत कम डेट है मैंने अभी ये नोटिफिकेशन को एक्चुअली नहीं देखा था तो आपके लिए टाइम बहुत कम है तो यदि भी कोई ऐसा स्टूडेंट है जिनका रैंक बहुत अच्छा है नेशनल लेवल पे तो वो यहाँ एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए और यहाँ और एक चीज है यहाँ अप्लाई करने के लिए आपको एक रेफरेंस चाहिए उस जो रेफरेंस का जो डिटेल्स है आप चाहो तो 22 अगस्त तक आप दे सकते हो अप्लाई करने का लास्ट डेट है फिफ्टींथ अगस्त मगर उसका जो रेफरेंस भेजने का जो आपका डेट है ये 22 अगस्त तक आप दे सकते हो किसी भी यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर या डीन या जो भी है उनके पास से आप रेफरेंस ले सकते हो देन एडमिशन कैलेंडर आप यहां देख सकते हो डिटेल्स मेंशन किया गया है बाकी स्कॉलरशिप आपको पता है इस प्रकार का ऑर्गेनाइजेशन में आपको स्कॉलरशिप मिलेगा ही मिलेगा और इसके साथ-साथ टाटा का जितने भी सारे इंस्टीट्यूट है वहां आपको बहुत कम पैसा में स्कोर्स मिल जाएगा उसके साथ रहना खाना हॉस्टल फैसिलिटी भी बहुत जबरदस्त मिलता है बाकी पीएचडी रजिस्ट्रेशन के लिए आप यहाँ देख सकते हैं आपको जो स्टाइपेंड मिलेगा ये आपको थर्टी वन थाउजेंड करके पर मंथ मिलेगा अपटू फोर्टी थाउजेंड कंटीजेंसी अमाउंट जो है ये आपको फोर्टी थाउजेंड करके पर आनवे में मिलेगा देन जो पोस्ट ग्रेजुएट रजिस्ट्रेशन जो पोस्ट डॉक्टर दो साल के लिए आपको मिलेगा पीएचडी उसके बाद आपको एसआरएफ हो जाओगे उसके बाद आपको थर्टी करके मिलेगा ठीक है यहाँ आप देख सकते हो यहाँ मेंशन किया गया है जिसका बियउंड फिफ्टीन पांच साल हो जाएगा देन उसको सेवेंटीन थाउजेंड फाइव हंड्रेड का मिलेगा ठीक है इसी प्रकार इंटीग्रेटेड पीएचडी को भी यहाँ मिलेगा इक्कीस हजार करके देन बुक ग्रांट उनको पच्चीस हजार करके मिलेगा देन दो साल के बाद इनको फिर से थर्टी वन थाउजेंड करके दे पी एच डी में एडमिशन लेस तो का, तो का जो ग्रेजुएट स्कूल है इसके बारे में में यदि आप डिटेल्स स्कोर स्ट्रक्चर सारे सारी सारी चीज देखना चाहते हो तो आप यहाँ देख सकते हो एडमिशन रिलेटेड कुछ भी आपका क्वेरी है तो आप यहाँ कॉन्टेक्ट करके भी आप इनको पूछ सकते हो तो यह था इसका डिटेल्स ये एक वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूट है आप यदि चाहो तो यहाँ कोर्स कर सकते हो मगर एप्लीकेशन जो प्रोसेस है ये थोड़ा डिफिकल्ट है तो देखिए आप यदि इंटरेस्टेड हो आप यहां अप्लाई कर सकते हो और इसका जो लिंक है मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में वहां जाकर आप इसको डाउनलोड करके आप देख सकते हो तो ये था इसका डिटेल्स थैंक यू ऑल दी बेस्ट